हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम अनीता शर्मा। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। बेटा देखो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर रही हूँ आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। आप बुक देख लो, देखो ए कंप्लीट बुक, ठीक है। चलो, चार वर्णों से बने शब्द, ठीक है। अब देखो ये क्या है, गर्दन, तो ये क्या हो गया, गर्दन। ये कसरत, तो क्या हो गया, कसरत। कटहल, तो क्या हो गया, कटहल। पलटन, तो क्या हो गया, ये पलटन। खटमल, तो क्या हो गया, ये हमारा खटमल, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ बेटा, याद हो तो। बचपन, उपटन, मखमल, सरपट और टमटम, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है बेटा। अब नीचे देख लो, दशरथ उठकर भजन कर, शरबत चक्कर घर चल, अनवर समझकर कदम रख, टमटम पर सर्कस चल, ठीक है। असलम बरगद पर चढ़, बर्तन पनघट पर रख, कसरत कर, उपटन मल, गणपत अनपढ़ मत रहे, ठीक है। समझ में आया बेटा आप सबको। अब इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। अब ये नेक्स्ट पेज लेते हैं, आ की मात्रा, ठीक है। जो हमारी आ की मात्रा थी वो आपको मैंने समझाया था, इस तरीके से आपको ये सब क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे ये पा प्लस आ की मात्रा हो गई तो होगी क्या, हो गया पा। या प्लस आ की मात्रा हो गई तो क्या हो गया, या। सा प्लस आ की मात्रा हो गई तो ये क्या हो गया, सा। इसी तरीके से आपको ये सब कंप्लीट करना है। अब देखो ये क्या है, आठ, आग, छाता, टमाटर, आम और गमला। समझ में आ गया, इतना आया बेटा सबको समझ में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, बाय, थैंक यू।